दोस्तों आप लोगों अगर टाइगर पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें। और ये दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आपका स्वागत है, आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह। दोस्तों आज मैं मिलवा रहा हूं आपको रणथंभौर नेशनल पार्क के एक आर्टिस्ट से जो काफ़ी सालों से टाइगर पेंटिंग बनाते हैं, और टाइगर पेंटिंग जब बनाते हैं तो बहुत ही आलीशान और बहुत ही सुंदर बनाते हैं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले उनका परिचय, उनका नाम। आपका नाम क्या है? ब्रजेंद्र जोलिया, और मैं सवाई माधोपुर से हूँ प्रभात, और रणथंभौर आर्टिस्ट। यहाँ मैंने कई वर्षों से मैं पेंटिंग का कार्य कर रहा हूँ, और ये हमारे केपी सिंह जी व्लॉगर साहब आए हुए हैं तो ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। टाइगर बनाने के लिए कौन से कलर काम में आते हैं तो आप बताइए विजेंद्र जी सबसे पहले कि आप टाइगर कलर कौन कौन से लेते हैं? जी दोस्तों, हम सबसे पहले हम टाइगर कलर में हम ये येलो कलर यूज़ में लेते हैं। पोस्टर कलर है कैमल जो आप देख पा रहे हैं, और अधिक ये धारियों के लिए ब्लैक कलर आता है यूज़ में, ये भी पोस्टर कलर है। और ऑरेंज कलर है जो आप देख पा रहे हैं, ये येलो कलर है, येलो कलर देखिए आप कलर, ये वर्मिलियन कलर है जो टाइगर में काम आते हैं, और ये बंसीना है आप, और ये वाइट कलर है। ये कलर हम टाइगर पेंटिंग बनाने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। अभी विजेंद्र जी ने बताया कि कौन कौन से कलर यूज़ होते हैं जो टाइगर बनाएंगे, टाइगर पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें जो यूज़ होते हैं कलर, उनके बारे में बताया। तो अब इनसे थोड़ा सा ये जानेंगे कि किस तरह से टाइगर पेंटिंग बनाते हैं, सबसे पहले ये क्या लेते हैं, फिर हम इनसे जानते हैं कि सबसे पहले क्या यूज़ होता है, किस तरह से पेंटिंग बनाई जाती है। दोस्तों हम सबसे पहले हम सिल्क का कपड़ा लेते हैं और बोर्ड के ऊपर उसको चिपकाया जाता है। चिपकाने के बाद में ड्रॉ किया जाता है, पेंसिल ड्रॉ करने के बाद हम फिर कलर को यूज़ में लेते हैं स्टेप बाई स्टेप। सबसे पहले हम पेंसिल ड्रॉ करने के बाद कलर की, ब्राउन कलर से हम धारियां बनाएंगे सर्वप्रथम, फिर उसके बाद में हम कलर भरेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे जैसे जैसे पेंटिंग तैयार होता जाएगा। दोस्तों जैसा कि अभी विजेंद्र जी ने बताया कि वो किस तरह से पेंटिंग बनाते हैं और कलर कौन सा यूज़ होता है, तो सबसे पहले जो यूज़ होता है वो हम लोग देखेंगे अभी, क्योंकि अभी ये डेमो करके बताएंगे और पेंटिंग बना के बताएंगे कि कौन सा कलर कहाँ काम में आता है, धारी के अंदर सबसे पहले कौन सा कलर काम में आता है। तो हम चलते हैं पेंटिंग की ओर, तो दिखाते हैं आपको पेंटिंग। दोस्तों हम टाइगर की धारियां बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑरेंज कलर लेंगे, उसके अंदर हल्का सा ब्लैक टच करके उसको ब्राउन कलर बना करके उससे अपन टाइगर की धारियां बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं सामने, अब टाइगर की ब्राउन की धारियां अपन कर चुके हैं, और अगली जो स्टेप है जो अपन कलर भरेंगे, ये जो है पोस्टर कलर है ये लिया हमने येलो कलर, और येलो कलर हमने इसमें प्लेट में मिला लिया है, देख पाएंगे आप, देख ही रहे हैं। और ये हमने हल्का सा इसमें ऑरेंज टच किया है, और इस कलर में दोस्तों देखिए अपन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने कलर भर दिया है टाइगर में, अब नेक्स्ट जो अपन करेंगे वो वाइट कलर लेंगे, वो जहाँ जहाँ पर टाइगर पे वाइट होते हैं बाल, वहाँ अपन वाइट कलर लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों अपन वाइट कलर को इस प्रकार वाइट कलर भरेंगे दोस्तों, ये
वाइट कलर भर रहे हैं दोस्तों अपन। इस प्रकार अपन टाइगर में जहाँ भी वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं बालों की जगह है ये, यहाँ अपन को वाइट कलर भर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों टाइगर पेंटिंग सवाई माधोपुर रणथंभौर की शान है, बाघ बचाओ। दोस्तों ये अपन ने कलर भर लिया है और इसके बाद अपन मिक्सिंग करेंगे इन कलर की। देखा अपन ने वाइट कलर भरा, उसके बाद अब करेंगे मिक्सिंग। तो आप देखिए हम मिक्सिंग कैसे करते हैं। ये मिक्सिंग इस प्रकार से की जाएगी मिक्सिंग ताकि ये कलर अलग नहीं लगे। इसी में देखा आपने मिक्सिंग देखा दोस्तों आपने ये मिक्सिंग कैसे की जाती है टाइगर के अंदर। ये मिक्सिंग दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने जहाँ जहाँ लाइट कलर था वहाँ हमने वाइट टच किया, उसके बाद में हम ब्लैक कलर लेंगे। और जहाँ पर भी टाइगर की गर्दन के यहाँ कई आँखों पे कई जगह इनके जो हिस्से हैं वहाँ छाया देंगे हम ब्लैक कलर से, हल्के ब्लैक कलर की टोन से हम उसमें छाया देंगे। देखिए आप कि हमने इस टाइगर की शेडिंग करके अब हम टाइगर की ब्लैक कलर से धारियां निकालेंगे।
दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने टाइगर की धारियाँ ब्लैक कलर से पूरी कंप्लीट कर दी है। अब जो अपना स्टेप है अगला, वो हम लेंगे आँखों की ओर। अब आँख बनाएंगे, आँख के लिए हम येलो कलर लेंगे। येलो कलर से हम उसकी आँखों में ये कलर डाल देंगे, इस प्रकार ये कलर डाल देंगे। ये दोस्तों हमने आंखों में कलर अब हम लेंगे वर्मिलियन कलर। ये वर्मिलियन कलर है दोस्तों, इससे हम हल्का टाइगर की जो नाक है उसमें भरेंगे कलर। अब हम ग्रीन कलर लेंगे, ये ग्रीन कलर है, ये आँखों पे अब इसमें हल्का सा हम वाइट टच करेंगे आँख के अंदर, ये वाइट कलर है। इसको हल्का हल्का अपन मिक्स करेंगे। इसमें हल्का सा ग्रीन में ब्राउन कलर मिक्स करके इसकी हल्की सी शेडिंग करेंगे। और इसी में हम हल्का सा ब्लैक टच कर देंगे। इसी में हम वापस पीला लगाएंगे हल्का सा। इसमें हम हल्की सी वाइट की अब हम ब्राउन कलर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ब्राउन कलर स्टार्टिंग में, तो उससे हम शेडिंग करेंगे। इसी में हम वाइट कलर लेंगे और नाक के यहाँ ऊपर हल्का हल्का टच करेंगे। इसी में हम अब हल्का सा ऑरेंज का टच करेंगे। Thank you.
फिर इसको हल्का डार्क करके ये नाक तैयार होगी। हल्की सी हम लाइट हल्का सा हम ऑरेंज टच करेंगे, हल्का सा बिल्कुल। ओके, हल्का सा वाइट लेंगे। फिर हम ब्लैक कलर लेंगे, दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी आँख नाक बनाई। अब हम बताएंगे आपको बालों की शेप बनाना, टाइगर के बालों की शेप कैसे बनाई जाती है। देखिए टाइगर के बालों की इस प्रकार से वाइट के बाल बनाए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अब देख पा रहे हैं व्हाइट के बाल। दोस्तों अब तक आपने देखा है टाइगर इस से व्हाइट के बाल निकाले अपन ने। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अब कौन कौन से टाइगर में बालों के लिए कलर यूज़ में लेना। सबसे पहले येलो है, हल्का ऑरेंज है और वाइट है। इन तीनों कलर को मिक्स करके हम इसमें टाइगर में बाल निकालेंगे। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं टाइगर की पेंटिंग है और ये टाइगर की पेंटिंग तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को टाइगर की पेंटिंग खरीदनी है किसी को भी तो आपको नीचे लिंक दिया जा रहा है, ईमेल आईडी दी जा रही है और आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है और अमेजन का लिंक दिया जा रहा है। जिसे भी ये पेंटिंग खरीदनी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें। जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं ये विजेंद्र जोले जी द्वारा बनाई गई है और काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं, और ये जयपुर के फोर्ट की पेंटिंग्स हैं। आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और भी पेंटिंग दिखाई जा रही है आपको। रणथंभौर की शान टाइगर, ये टाइगर पेंटिंग है और टाइगर का फेस है जो काफ़ी सुंदर है। आप देख पा रहे होंगे हर एक चीज़ दिख रही है, इसमें बाल दिख रहे हैं, नाक दिखती है, आँख का सेप वगैरह सभी दिख रहे हैं। तो आप खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप जो ये पीछे टाइगर की पेंटिंग देख पा रहे हैं जो रणथंभौर की शान है एक तरह से देखा जाए तो, और यहाँ रणथंभौर के अंदर ये पेंटिंग बहुत बनाई जाती है। यहाँ देश से विदेश से लोग आते हैं और इस टाइगर की पेंटिंग खरीदते हैं क्योंकि हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स है, बहुत ही शानदार है। ये विजेंद्र जोलिया जी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। आपने वीडियो देखी टाइगर पेंटिंग की, आर्ट से संबंधित है, रणथंभौर नेशनल पार्क की पेंटिंग्स है जो काफ़ी फेमस है, देश विदेश के यहाँ से सैलानी आते हैं और खरीद के ले जाते हैं। अगर दोस्तों आप ये पेंटिंग खरीदना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप लोगों अगर टाइगर पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें।